अब खबर जयपुर से है, जहां चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को निपाह वायरस घोड़ों के क्लेंडर्स रोग पर बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रदेश के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों को निपाह वायरस रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। साथ ही रैपिड रिस्पांस टीम को सतर्क करने के साथ ही संदिग्ध मरीजों को चिन्हित कर उनकी जांच उपचार करने के आवश्यक निर्देश भी दिए। वहीं केरल से आने वाले लोगों में खांसी जुकाम बुखार लक्षण मिलते ही तुरंत डॉक्टर को दिखाने का आग्रह भी किया गया। हमको पता चला कि केरल में निपाह रोग से ग्रसित एक व्यक्ति अभी भर्ती है और क्रिटिकल कंडीशन में है। पिछले साल भी 17 मरीज रिपोर्ट हुए थे और मेरे ख्याल से उनमें से 2 ठीक हो पाए थे, 15 की कैजुअलिटी हुई थी। ये बहुत ही गंभीर वायरस है जो मलेशिया से ट्रांसमिट होकर हमारे कंट्री में आया है। ये चमगादड़ जो होती है वो उसके माध्यम से ट्रांसमिट होता है और ये जो नारियल के पेड़ पे सबसे ज्यादा इनका इन्फेक्शन जाता है वहां पे ही पाए जाते हैं केरल में तो। लेकिन हमारे यहाँ भी पशु पक्षी दूसरे हैं, उनके माध्यम से भी इसका वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। तो आज हमने, क्योंकि राजस्थान में अभी इस तरह की स्थिति बनी नहीं है, लेकिन क्या होता है स्थिति बनने से पहले एडवांस मैनेजमेंट करने के लिए और मास अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारे चिकित्सा महकमे के वरिष्ठ लोगों को आज बैठ के बातचीत की है। तो भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस के मुताबिक पूरे स्टेट में एडवाइजरी जारी करें, क्योंकि हमारे स्टेट में भी पैरामेडिकल स्टाफ के लोग ज्यादातर केरल के लोग हैं और उनका आना जाना रहता अपने प्रदेश में। तो हमारे सावधानी बरतने के उद्देश्य से हमने ये आज मीटिंग